पाकिस्तान के फंटर प्रधानमंत्री की हालत उस हलकारे जैसी है जिसका खेत चिड़िया चुग चुकी है और हलकारा उंगली के ऊपर उंगली चढ़ाकर चिड़िया गिराने का अभ्यास कर रहा है। मतलब यह कि सब कुछ गंवाने के बाद पिछवाड़े पर अभी तक बर्नौल का लेप कराए घूम रहा है, यानी यह दिखाने की कोशिश जारी है कि फूक गए पर फूक नहीं गई। कल इस्लामाबाद के डी चौक के गधैया नृत्य में जिस प्रकार टोपियों की पतंग बनाई गई उससे पाकिस्तान की मीनारें भी रसक कर रही होगी। पर मामला तो गधैया नृत्य और टोपी की ऊंचाई से भी कहीं ऊपर है, जिसके लिए इमरान खान ने डी चौक पर ठुमके मटके लगाए हैं। दरअसल पाकिस्तान में 27 अक्टूबर का दिन दो वजह से खास होने जा रहा है। इसकी पहली वजह मौलाना फजलुर रहमान का आजादी उत्सव है, जबकि दूसरी वजह इसी दिन इमरान खान सऊदी अरब और ईरान की यात्रा पर जाने वाले हैं। मतलब हलकारा समझ चुका है कि कश्मीर तो पाकिस्तान नहीं बना पर पाकिस्तान भिकारिस्तान जरूर बन गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की इमरान खान से नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है, लिहाजा यह फंटर वजीर आजम क्राउन प्रिंस की मान मनोवर करने सऊदी जाएगा। यह इस घुमक्कड़ का सऊदी का तीसरा दौरा होगा। वैसे निठल्ले और निकम्मे इमरान के पास अब दूसरा काम भी नहीं बचा है, सऊदी जाओ चीन में ठुमका लगाओ। हालांकि पाकिस्तान इमरान के दौरे को पश्चिम एशिया में तनाव करने के मकसद से किया जाने वाला दौरा बता रहा है, यानी जिस पर अपना घर नहीं संभला और जिसकी दो बीवियां इसे औंधे मुंह करके पिछवाड़े पर लात जमा गई, यह भोकाल दुनिया के फैसले करने चला है। पर पर्दे के पीछे की क्राउन कथा कुछ और है। दरअसल इमरान खान संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस के विमान से न्यूयॉर्क गए थे। इस दौरान क्राउन प्रिंस ने इमरान को सख्त लहजे में वहां पर कश्मीर का मुद्दा ना उछालने और इसको इस्लामिक राष्ट्रों का मुद्दा न बनाने को लेकर सख्त हिदायत दी थी, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए न सिर्फ यूएन के मंच से कश्मीर का राग अलापा बल्कि इसको मुस्लिम राष्ट्रों का मुद्दा बताकर क्राउन प्रिंस की तोहिन भी कर दी। इससे खपा होकर क्राउन प्रिंस ने अपना जेट वापस बुला लिया था, जिसके बाद इमरान खान को दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से स्वदेश लौटना पड़ा था। इसके साथ एक दूसरी वजह भी है। पिछले दिनों सऊदी की तेल कंपनी अरामको पर हमला हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ वर्तमान में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के कमांडर इन चीफ हैं। नवंबर 2016 में पाक सेना अध्यक्ष पद से रिटायर्ड होने के बाद उन्हें यह पद सौंपा गया था। इस मामले में राहिल शरीफ की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, क्योंकि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद इस तरह का वाक्य होना कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी कमी माना जा रहा है। मजे की बात यह है कि आराम को मामला और इमरान का भाषण दोनों घटनाएं एक साथ घटी। दरअसल मिडिल ईस्ट के 15 देशों में कतर कुवैत और यूएई के बाद सऊदी अरब चौथे नंबर का सबसे अमीर देश है। इसी वर्ष फरवरी में जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान गए थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान से $20 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर जब जब संकट आया है तब तब सऊदी अरब ने ही उसका हाथ थामा है। ऐसे में सऊदी क्राउन प्रिंस की नाराजगी इमरान खान के लिए घाटे का सौदा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खाने से आवाज उठ रही है कि इमरान खान देश छोड़कर भाग रहे हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि सऊदी अरब तो बहाना है, वह फजलुर के आजादी मार्च का सामना करने को तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह फजलुर की पाकिस्तानी मदरसों पर मजबूत पकड़ मानी जा रही है। आशंका है कि उनके मार्च में हजारों नहीं लाखों तहमंदबाज शामिल होंगे। इमरान जानते हैं कि यदि पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हैं तो वे इस्लामाबाद के मुकाबले सऊदी में सुरक्षित रहेंगे। शायद इसलिए भी इमरान खान ने अपना प्रोग्राम 27 अक्टूबर को ही तय किया है, अन्यथा जब मुल्क में हलचल मची हो और वहां का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में घूम रहा हो यह सब कुछ तो चौंकाता ही है। वैसे कुछ लोगों को पिंकी पीरनी की फिक्र हो सकती है, वह इमरान की तीसरी तलाकशुदा बीवी बनेगी या उसके जिन फजलुर को संभाल लेंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।